अपना पहला ऑटो फीडर लग गया, लगा अपना भी पेट भर, दूसरे का भरन दे। okay. अधे से ज्यादा जुगाड़ तो लाला जी की दुकान पे बना दिया। ये वाली चेस्ट बेल्ट मंगाई मैंने, तो मैं क्या मिला भाई, तोड़ के लेके तभी से यार। अरे घर तो लगा, तेरे बाप ने पैसे दिए या तेरी माँ ने पैसे दिए? मनी के बाद में थे जाई बुझ जाएंगे भाई। भाई नहीं मान रहा, अबे चोट मत लग जाएगी, तेरे चोट लग जाएगी भाई। अपनी माँ की कसम यार, किसी ने पाइप तोड़ दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हो सीएचओपी को। जैसे कि तुम्हें पता है, कल मैंने एक प्रॉमिस करा था, वो प्रॉमिस मेरे को आज पूरा करना है, तो करना। लेकिन उससे पहले मैं जल दे दूं किसको, मुझे क्या पता। गाइस, जैसे कि तुम्हारे भाई ने प्रॉमिस करा था कि स्ट्रीट डॉग के लिए, जो आवारा डॉग है ऐसे ही घूमते रहे हुए, जंगली हो, स्ट्रीट हो, ऐसा भी हो, चोट लग रही हो, फेट लग रही हो, कुछ भी हो रहा है उनके, तो तुम्हारा भाई अपने जो कुछ भी कमा तक खाता है उसमें से परसेंट उनके लिए करने वाला है। तो उसके लिए आज पहले दिन है, आज पहली शुरुआत है, हमें उनके लिए ऑटो फीडर बनाना पड़ेगा। और शाम के टाइम जितना भी भाई अपने पास, देखो मैंने तुम्हें सारी बात खुली बता दी, तो उसमें से फीड वगैरह देना शुरू कर देगा। तो अभी पहले चलते हैं, नीचे एक पार्सल वाला आ गया, जो दूसरा पार्सल है हमारा वो भी आ गया। भाई ये वाला पार्सल भी आ गया, पकड़ भी। पहले इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, जो एक और पार्सल आ रहा। इसकी अनबॉक्सिंग करनी फाड़ दे, मैं करता हूँ इसकी चीर फाड़। ये वाली चेस्ट बेल्ट मंगाई मैंने, पीकू को पहना के देखता हूँ। पीकू पहनने का नहीं, जिस टाइम मैंने ये मंगाई थी मैं बहुत डर रहा था कि ये पीकू को सेट आएगी या नहीं आएगी, बट ये वाली चेस्ट बेल्ट बिल्कुल इसको फिट आई है। गाइस की वार्ड अपने आप बंद हुए, कोई नहीं है ना, उधर की साइड कोई है ना इधर की साइड कोई है, अपने आप कैसे बंद हो गया? अबे खुले भी अपने आप। गाइस ये क्या है, पीकू कौन है? अटैक गाइस, अपने आप खुली क्यों वार्ड? ओ भाई अपने आप, गाइस कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर है यार, ऐसे कैसे खुली गई अपने आप की वार्ड? अभी दूसरा पार्सल भी अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने मंगाया गाड़ी का सीट कवर, इस वाली चीज को पीकू अपने साथ ही लेके चलेगा। ले पकड़ ले, पीकू अपने आप ही अनबॉक्स करने की सोच रहा, घर में लेके चल रहे, आ जा जल्दी आ। नहीं इसे लेका, इसे लेका, इसे लेका, इसे उठा, उठा इसे, उठा इसे, उठा। वाओ, सामने से भी जो अपने कालू को लेकर आ रहा, इधर गली में लेकर घुस गया। कालू को देखते ही पिकू का दिमाग घूम जाएगा, पिकू का दिमाग घूम गया। ऊपर का कवर तो पहले ही फाड़ दिया, पहले मैं गाड़ी को थोड़ा आगे कर लूं ताकि कंफर्टेबल तरीके से मैं इसे सेट कर सकूं। गंदगी जो है ना वो दिखाता हूं तुम्हें कितनी ज्यादा हो जावे। ये देखो अभी इसे सेट करते हैं। हां जी, पॉपिट पॉपिट क्या हो? अबे ओए मुंह भिज जाएगा तेरा, पीकू मुंह भिज जाएगा भाई। ऐसे कमांड देनी पड़ेगी, देखता हूँ बैठेगा क्या, मानने का नहीं माने। भाई नहीं मान रहा, अबे चोट मत लग जाएगी तेरे, चोट लग जाएगी देवा, चोट लग जाएगी भाई। सीट कवर तो मैंने बढ़िया से बिछा दिया, ये जो गंदगी लेके घुसा था ना अंदर, वो सारी गंदगी इसके ऊपर रह जाएगी। जितनी भी सफाई करनी होगी ना, उधर से उठाया बाहर निकाला। इसने तो हाथी पार्ट भी दिया, वेरी लो क्वालिटी यार। एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर पीकू इस पर बैठ जावे ना, तो ये खींच के यहाँ तक फटने के चांस इसके ज्यादा है, क्योंकि ये कमजोर सिलाई की है। इस और देवा गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे, ये पैर तो जाते नहीं ना ब्रेक तक ना रेस तक। तेरे पे ट्रैक्टर चलाना है? मेरे पे भी। अच्छा, मेरे पे स्कूटी। बंद करो हाथ जोड़ के। जिनकी हाइट होगी लगभग 1.5 फुट। पीकू का पूरा सेटअप कर लिया गाड़ी में, बट यार एक प्रॉब्लम है, पीकू को बैठने की बढ़िया से जगह नहीं मिल रही, ताकि ये जो पैर है ना वो इसके ऐसे रह सके और ये ना कंफर्टेबल बैठ सके। उसका जुगाड़ करने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत जुगाड़ करवाना पड़ेगा। ये भी घेर में ये आया था। अबे ओ हेलो हेलो हेलो, आजा आजा आजा, इली फुर्सत में निकल। क्या नाम है? जैसे कि शाम होने वाली है, सबको बाहर ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, बट उससे पहले मैं जा रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट से मैं लेके आने वाला हूँ वो ऑटो फिटर बनाने वाला सारा सिस्टम। बट ऊपर मैं पीकू बंद करके आ गया, पीकू के दिमाग में हर टाइम तो ये रहने लगा कि मैं इसे छोड़ के चला क्यों जाऊँ, अगर मैं पीकू को भाई 24 घंटे अपने साथ रखूंगा, समझ रहे हो? जब भी मैं इसे गाड़ी में लेकर गया ना आज तक, ये हर टाइम खड़ा ही रहा, कभी बैठा हुआ ही नहीं देखा मैंने। पापा की भी छुट्टी होगी, पापा सुट्टा छोड़ दे चल रहे, कहाँ घूम रहे तुम, कहाँ घूम रहे? ये बात तो गाड़ी में घूमता रहा, जाओ चलो गाड़ी में चलेंगे, बैठ लो आलिया में। अधे से ज्यादा जुगाड़ तो लाला जी की दुकान पे बना दिया, बाकी जुगाड़ यहीं कर दूंगा सेट, क्योंकि आरा मशीन यहीं है। ये लगभग पूरा सेटअप यहीं हो गया, और ये ऊपर की कैप होगी, ये कैप बंद हो जाएगी, इसके अंदर फीड डल जाएगा और पूरा मामला सेट हो जाएगा। बस एक काम करना, ये यहाँ से काट दूं, पूरा जुगाड़ दुकान पे बना दिया, बिल्कुल रेडी कर दिया। अब देखना भाई पापा की गाड़ी शुरू हो जाओगी, मजा देख तू। इसका मैं पहले एक्सपेरिमेंट कराया हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट तो करा नहीं, मैंने देखा था यू एक वीडियो सी देखी थी, इस तक कुत्तू को खाना खुवा सके हम, इसमें ऊपर खाना गिरेगा तड़ा लिकट का आ जाएगा यहाँ खा लगा। ये बिना मतलब के है नहीं। अरे अपने कुत्ते के लिए नहीं, गाड़ू के कुत्ते के लिए, तो चल जिसकी जी करेगा वो गिर देगा रोटी।
नहीं जी, अगर हमारे पीछे होंगे मैं गेट देख रूंगा, तब मैं जाके पीछे देख रूंगी इस मामले में। जनू बताओ गाइस, मेरा भरोसा बस तारे पे टिक रहा हूँ। कहाँ चलना? घर कुछ दावत पानी तो कर लो, पिज्जा पिज्जा कुछ तो खुवा दो मेरे भाई। ना पिज्जा यार, पीछे पापा नू ना करा कर यार, तू देख खाम की बात ना करा कर, कुछ तो खुवा दे यार, एक आधी चीज तो ले ले। पानी पता से तो खुवा दे पापा। अरे पापा यार, दो चार पानी पता से मैं कुछ नहीं करा। हम आगे ड्रामे कर रहा तुम मेरा पापा, ड्रामे है ये। जो भूखा कुत्ता है, अगर हम उसे दो रोटी घेर देंगे तो कुछ खाना पीना खुवा देंगे, तो यू मैंने काम गलत करा सही करा यह बात तुम मुझे बता दो। पापा भी यार देख, दिल तो बता दे ये पता की है अपने दिल पे आदर का क्या देगा बनू को, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, दरिया दिल पे। हाँ दिल पे आदर। अरे यार गाड़ी दुआ दे पापा, मुझे ले लिए दुआ दे यार, ले लिए। क्या बेचनी पड़ेगी? एक बीघा धरती बेच दे पड़ेगी इसके ऊपर। और मतलब धरती की कीमत ज्यादा है हमारे वाले की? कह रुपए की या होगी कम से कम 25 लाख रुपए की तो है, 45 की तो होगी और 60 की चुनर की टक्कर की गाड़ी है। हाँ फोड़ की है या कोई लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? जमीन ले, घर ले, दुकान ले, मकान ले। बात तो सही है। देख गाड़ी लेवांगे अपना का, लोग नाम लेंगे पूछेंगे। ये लोग तुमसे मैं यहाँ बड़ी गाड़ी लेकर आता। नहीं अंबानी के बाद में थे पूछेंगे भाई। डाल के आशीष दिन में पता नहीं क्या जा रहा है। पेट्रोल गिरवा लेते गाड़ी में, पेट्रोल नहीं गिरा करता। अच्छा बैठ कर गए गाड़ी में, मैं उतर जाऊंगा तो फ्री आने और जाने वालों में मैं ऐसे काम नहीं करता। कह रहा भी लगे पापा तेरे जान के, रफा भी लगता है। स्टाफ कुकर चल रहा है बता रहा हूँ, चल रहे एक बार तो दादा हो तो कुछ भी नहीं है। फिर कुकर मान रहे तेरे लोग जाने मुझे। अरे क्या कर रहा, पी को आराम से बैठ जा। कहा क्यों लिया तुझे, सही तो इतना गाड़ी बांट दिया। सॉरी गाइस यार, तुम इतना सपोर्ट कर दो जो मैं अपनी गाड़ी ले लूँ। मैं मेरे पापा ने मुझे गाड़ी द्वारा की, मेरे पापा मुझे तड़की सांझ गाड़ी दे, और मुझे मजबूरी में यह गाड़ी चलानी पड़ रही क्योंकि समझ रहे हो। पाइप के ऊपर तू 200 रुपए का पाइप आ, 400 का पेट्रोल फूंक के जाकर तू पापा। सो साईगिरी कौन कहेगा, हिसाब कौन? साईगिरी बता रहा तेरे की डाल के। एक बात बताऊं, जिसके भाई साहब वो नहीं होता ना पापा, ठाट है मेरे, खर्चा नहीं होता। हाँ। वो सका तो भगवान भी पूरा नहीं पाड़ सकता पापा। तेरे पर मेरे हाँ। नहीं पड़ रहा पूरा। मैं कहा था पाइट तारा तो कम ही खर्चा। फिर एक बात बता, तारा तो कम खर्चा, तारे पर अपने जाकत का पूरा नहीं पड़ रहा। पीकू कुत्ता बढ़िया लगा है, रोकी नहीं रोकी तो बैठ दे डाल का काट खावे जो इतना। इनमें ठहर गिर वाले बेटा, ये 60,000 से भी ज्यादा चिल्ली गाड़ी है। पापा एक बात सुनोगे, पीकू को 1 लाख रुपए देवे बेच दूंगे। क्यों 1 लाख रुपए देवे एक लंडा इल्ला देगा वास्तव में ही, और हम ना बेचते। रोकी को दे दो, ये पता मुझे रोकी पोगी का छोड़ दे पीकू को। अरे यार पीकू को दे लेंदा ना, तू बावला है तू। जैसे कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा, तो पापा का योगदान पूछते हैं, सीरियसली पूछते हैं पापा कितना योगदान देंगे इस काम में। जैसे कि ये भलाई का काम है पापा, क्या रुपए दोगे भलाई का काम है? मतलब जो देसी कुत्ते हैं गाड़ों में वो फिर है, मैं इनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा, ताकि जितना मेरा बजट हो सके, जो भी कोई देवा का दान देवा कोई पाल ले। 6 कुत्ते ये रहा भाई फीड का कट्टा, ये वाला कट्टा लाया मैं भाई। जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस करा हुआ है, अपने हिस्से का मतलब अपनी जो मैं कमाऊं समाऊं उनमें से रेंट तुम्हारा भाई खर्च करने वाला है स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर। अब अगर तुम्हारी इच्छा बनेगी कुछ भी, 1 रुपए की भी मन करेगा ना, तुम 1 रुपए भी डोनेट कर दो। गाइस हमारा सबसे पहला स्टार्टअप है, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं इसे। जय बजरंग बली की जय। गाइस जो ज्यादातर स्ट्रीट डॉग है यानी कि पिकू के जो दुश्मन है सारे के सारे, वो इधर की साइड रहे सारे यहाँ, तो यहाँ की लोकेशन हमें सबसे बढ़िया लगी। ये हमारा पहला है, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं पहले बांध के पूरा सेट करते हैं, ताकि ये बिल्कुल हिले डुले ना। अपना पहला ग्राहक आ गया टाइम पे ही, ये तो चट कर गया। ये वाला सेटअप तो प्रॉपर रेडी कर दिया, ये अपना पहला ऑटो फीडर लग गया और बिल्कुल रेडी हो गया। ये हमने जो जुगाड़ कर दिया इसका तार वार बांध के, बिल्कुल पक्का रेडी हो गया। और ये दो पिल्ले आ रहे खाने के लिए, इन्होंने खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया। बट ये दोनों ना बदतमीज है, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे। तेरे नाम का हमने यू जुगाड़ नहीं करा, तू लड़ाई करेगा, अपना भी पेट भर दूसरे का भरन दे। पहला ऑटो फीडर हमने लगाया अपनी गली से थोड़ा सा दूर। अब अगला जो हमें लगाना, मतलब अगली बार लगाएंगे, या फिर अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पैसा दे दिया या कुछ भी करा, थोड़ा बहुत दान करा, तो तुरंत ही यहाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे नहर के पुल पे, फिर उसके बाद लगाएंगे अपने बस स्टैंड पे, फिर उसके बाद लगाएंगे अपने गाँव के दूसरे कोने पे, मतलब अपने गाँव के हर कोने पे लगा देंगे। पहले स्टार्टिंग ये करी, और उसके बाद हर किसी भी डॉग को खाना मिलता रहे,
तो अपने गांव से शुरुआत करी मैंने और धीरे धीरे करके बस स्टैंड पे और अपने गांव से इधर गांव जहां भी मतलब जितना भी पैसा अपने पास होगा उतने पैसे खर्च करके सारी जगह लगा देंगे। हमारी इस नई शुरुआत का ये वाला पहला कट्टा था, ये भी आ गया रोगी के पास। चलो अब इनकी कहानी सुनते हैं, सबकी स्टार्ट कर दी इन्होंने अपनी कहानी सुनाना। सबसे पहले ये सुनाएगी, फिर ये सुनाएगी, उसके बाद ये सुनाएगा। आज बॉल पे ग्रिप लगाने को नहीं मिला, रस्सी पे ग्रिप लगा दी। अभी मैं और पीकू जा रहे हैं ऑटो फीडर जो हमने लगाया उसे देखने के लिए, वो सही चल रहा क्या? चलो ये देख लो कितना ज्यादा खुश हो गया घर से बाहर जाने के लिए। जो अपनी गली में ऐसे ऐसे कुत्ते हैं ना, मतलब ये अपनी गली में आ जा कभी कभार, एक बार आते नहीं ज्यादातर, तो इनका पेट भरने का काम शुरू कर दिया। ऑटो फीडर के पास आ गए। अबे अबे अरे 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 क्यों किसने करा यार? भाई साहब पहले दिन लगाया, पहले दिन तोड़ दिया। यूं किसने तोड़ा? पाइप लग रहा था यहाँ, पता नहीं भाई है कौन ले गया पाइप तोड़ गई। अपनी माँ की कसम यार किसी ने पाइप तोड़ दिया यार। यहाँ खंबे का पाइप लगा रखा था, किन्ने तोड़ा वो खंबे का पाइप लगा रखा था, किन्ने तोड़ा इस खंबे पे? पैडा गिरी के लिया। ओए चुप हो जा भाई, पीकू नहीं पर चल। तो मैं नहीं पता क्या किसने तोड़ा वो? नहीं मैं तो अभी उठ के सो गया, चल ही रहा हूं। बोलो कहीं था वो गाइस? जिस भी मुंह तक कुछ भी नहीं निकल रहा भाई साहब, मैं भगवान का समझ यार जिसने भी कराना है भाई। यार तुम्हें क्या मिला भाई तोड़ के ले गए तुम इसे? यार तेरे घर तो लगा, तेरे बाप ने पैसे दिए या तेरी माँ ने पैसे दिए थे? किसने यहाँ एक पाइप सा लगा रखे था, वो कितना पड़ा? अंधेरे में करा जी लाइट आने से पहले। गाय यार भगवान कसम जिसने भी तोड़ा ना यार, शुरुआत थी यार, मगर यार खा पी लेंगे मेरे मम्मी कसम जिसने भी करा होगा ना। है क्या कोई सा यहाँ खंबे का पाइप लगाया था, किसने पड़ा? लोग एंड करता हूँ भाई, पता लग जाओ। तोड़ा मैं यार अपने घर से लगाया।